तो सिवाय ऑप्शन ए और डी के तो बाकी हो ही नहीं सकते अब ए या डी तो देखो वर्डिंग वर्ड्स प्रॉब्लम का मतलब ही होता है वर्डिंग क्या कह रही है सम पहले वर्ड यूज़ हो रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ़ टू एन थ्री बी यानी सम किसका स्क्वायर ऑफ टू एन थ्री बी तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अब आप बोलेंगे सर डी क्यों नहीं है देखो डी में स्क्वायर ऑफ सम है अगर यहाँ वर्डिंग होती ठीक है सम ऑफ स्क्वायर्स की जगह स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ टू एंड थ्री बी तो डी होता वर्डिंग क्या है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू एंड थ्री बी इसलिए क्या होगा ऑप्शन डी होगा ऑप्शन uh, डी नहीं बल्कि ऑप्शन ए होगा ठीक है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू एंड थ्री बी और डिफरेंस ऑफ एट सी एंड थ्री। देखो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस की बात हो रही है इनके स्क्वायर की बात नहीं हो रही और फिर ई प्लस थ्री तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन